अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के डेट को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर किसी और लोन को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ 10 स्टेप मॉडल। एकदम सिंपल है, सरल है, आसानी से कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन 10 के 10 स्टेप्स ज़रूरी हैं, एक दूसरे के साथ एक सीरीज़ में बंधे हैं। और अगर आपने इन 10 स्टेप्स को समझ लिया और इनको फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड लोन को, क्रेडिट कार्ड डेट को ख़त्म कर सकते हैं। तीन स्टेप्स तो ऐसे हैं जो इस वीडियो में बेहद क्रिटिकल हैं, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 9। तो आइए मिलकर जानते हैं कैसे आप 10 सीढ़ियों में, 10 स्टेप्स में अपने क्रेडिट कार्ड डेट को खत्म कर सकते हैं। और याद रखिएगा, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 ये बेहद जरूरी है, इनको मिस मत करिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहला स्टेप, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट में बल्कि किसी भी डेट में आपको ये पता होना चाहिए आप खड़े कहाँ हैं। सो नो वेयर यू स्टैंड। और जब आपको अपने लोन्स को ख़त्म करना है, ये आपका उद्देश्य है, तो पहले पता ये तो हो कि लोन है कितना, तो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड हैं, उन पे कितना कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है, किस कार्ड पे आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, नॉन पेमेंट के या डिले के चार्जेस किस किस पे कितने हैं, एवरी मंथ मिनिमम पेमेंट कहाँ पे कितनी देनी पड़ती है, पेमेंट डेट्स क्या क्या हैं। हो सके तो एक्सेल शीट में ये सब का सब उतार दीजिए, एक्सेल शीट नहीं तो पेन पेपर लीजिए और उस पर ये सब उतार दीजिए। और जैसे जैसे आप ये लिखते जाएंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और हमारी जो लोन को ख़त्म करने की, क्रेडिट कार्ड डेट को ख़त्म करने की जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो उसका जो कोर है वो यही है, सबसे पहले पता लगाइए नो वेयर यू स्टैंड। दूसरी एक खास चीज़ है, इसको आप गहराई से समझिएगा, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और क्योंकि ये दूसरा वाला नहीं होता ना, इसके लिए बाकी के बाकी स्टेप्स भी काम नहीं करते हैं। अगर आज से पहले भी आपने कभी अपने लोन्स को ख़त्म करने की कोशिश की है तो ये नंबर 2 मिस हुआ होगा, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। ये दूसरा क्या है, बिल्ड एन इंटरनल ड्राइव टू क्लियर ऑफ योर डेट। अंदर से ना आपको एक ड्राइव, एक फायर, एक यू नो इच्छा, दृढ़ इच्छा, ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर जैसी होनी चाहिए कि यार इस लोन को खत्म करना है। वो कैसे होगा, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ सम राइट क्वेश्चंस। तो लगातार पूछिए, अंदर खोजिए, डिग डीपर, और उन ट्रिगर्स का पता लगाइए जिनकी वजह से आप इस डेट में फंसे हैं। कौन कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आप ओवर स्पेंड कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, वो पैसा आपने खर्च दिया जो पैसा आपका है नहीं, दैट इज क्रेडिट कार्ड डेट। और जब उसको पे करने की बारी आई तब तक आपके पास वो पैसा आया नहीं था। लेकिन कोई तो वो ट्रिगर होगा कि आपने उधार लेकर भी उस एक चीज को खरीद लिया। ऐसे कौन से कारण है जिसकी बदौलत आज आप इस करंट सिचुएशन में आ गए। तो यू नीड टू डिग डीपर एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई, व्हाट, हाउ यू गॉट इनटू दिस सिचुएशन। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जितना हो सके कागज पेन का इस्तेमाल करिए। और जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे ना, और अगर आपको राइट आंसर्स मिल गए तो फिर आपके लिए दो कमाल की चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, पहला, अगली बार आप सेम प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब आपने इस पुरानी सिचुएशन का पोस्टमार्टम कर लिया और आपको समझ आ गया कौन कौन सा वो ट्रिगर था जिसकी वजह से आप पिछली बार फंसे थे। और दूसरा, जैसे जैसे आप लोन्स को एक एक करके रीपे करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको अपना स्पेंडिंग पैटर्न बदलना पड़ेगा, आपको सेविंग का पैटर्न बदलना पड़ेगा। कहीं पे आपका दिल टूटेगा, कहीं पे थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ आप लेना चाहते होंगे लेकिन अब आप नहीं लेंगे। ये सब आप झेल पाए और ये जो इमोशनल साइड है ना आपके नए बिहेवियर की, आप इसको संभाल पाए, उसके लिए ये जो वाई एनालिसिस आपने किया, ये जो आपने अंदर से ड्राइव बिल्ड की है, ये एनालिसिस आपकी बहुत मदद करेगा। तो दूसरा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्ड एन इंटरनल ड्राइव टू क्लियर ऑफ योर डेट। इस वीडियो में आपको हम A to Z स्ट्रैटेजी दे रहे हैं हाउ टू क्लियर ऑफ योर क्रेडिट कार्ड डेट। टोटल 10 स्टेप्स हैं, 2 मैं बता चुका हूँ। नंबर 1, पता लगाओ खड़े कहाँ हो। दूसरा, अपनी वाई को बिल्ड करो, अपनी इंटरनल ड्राइव को बिल्ड करो। अब ये 2 हो गए, अब उसके बाद के प्लान आसान है। थर्ड इज मेक योर पेमेंट प्लान, मेक योर पेमेंट प्लान। और कॉमन सेंस से भी अगर आप समझेंगे ना, तो जिस क्रेडिट कार्ड पे आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, सबसे पहले आपको उस क्रेडिट कार्ड के लोन को रीपे कर देना चाहिए। जब आप इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का डेट रीपे कर रहे हो,
तो याद रखिएगा बाकी कार्ड्स पे मिनिमम अमाउंट हर महीने ड्यू डेट पे आपको जरूर पे कर देना चाहिए। और इस अप्रोच को जिसमें आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले पे करते हैं, इसको बोलते हैं एवलेंच मेथड। और ये एवलेंच मेथड क्या इंश्योर करता है, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को कवर कर लिया, अब आप जितना भी रीपेमेंट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट ब्याज में नहीं जाएगा, इंटरेस्ट में नहीं जाएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट में जाएगा। और एक बार जब आपका सबसे पहला कार्ड जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे करते थे एक बार वो रीपे हो गया, देन गो टू थर्ड वन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम पेमेंट बाकी सब कार्ड पे लगातार चलते रहना चाहिए। और अब जो कार्ड बचे हैं जिन पे आपको अभी भी पैसे देने हैं, अगर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो फिर उस कार्ड का सबसे पहले पैसा चुका दीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट है, और बाकी कार्ड्स पे आप मिनिमम देते रहिए। 3 स्टेप्स बता चुका हूँ, 7 बताने वाला हूँ और 5वां, 7वां और 9वां इसको आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। स्टेप नंबर 4 है, जो आपने डेट रीपेमेंट प्लान बनाया है देन यू नीड टू स्टिक टू दैट प्लान, यू नीड टू हैव द कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। अनुशासन रखिएगा, अपने आप को मजबूत रखिएगा कि आपने जो स्टेप नंबर 3 में निर्णय लिया है, इसको पहले दूंगा, फिर इतना दूंगा, बाकियों का मिनिमम दूंगा, वो सब आपको देना है। और स्टेप नंबर 2 में आपने एनालिसिस किया था कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होती है, ट्रिगर कौन से हैं जहाँ पर आप फिसल जाते हैं, जहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं, जहाँ पर आप ओवर स्पेंड कर देते हैं, अब फिर वो ट्रिगर आएंगे, लेकिन उन ट्रिगर्स को कंट्रोल करिएगा, डेट रीपेमेंट को बराबर रखिएगा। हम पुराने डेट को तो रीपे कर ही रहे हैं लेकिन हम साथ में नया वाला एक और खड़ा नहीं करना चाहते, तो ध्यान रखिएगा। 5वां सबसे जरूरी है, मिनिमम अमाउंट हर कार्ड का जरूर पे होना चाहिए और वो भी टाइम पर होना चाहिए। और हर कार्ड में बड़ा क्लियरली लिखा होता है, 2 अमाउंट लिखे होते हैं उसमें, कि ये है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग और ये है आपकी मिनिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये जनरली 5% होता है, अगर 1,00,000 रुपए आपने देने हैं टोटल तो फिर 5,000 आपको मिनिमम देने होते हैं एक पर्टिकुलर महीने में। अगर आपको लेट फीस बचानी है, एडिशनल चार्जेस वगैरह बचाने हैं, तो देन यू नीड टू पे मिनिमम ऑन एवरी कार्ड। 6, टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा, ऑलवेज पे ऑन टाइम। क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट में से एक है, 30, 40, 50% तक पहुंच जाता है। तो फिर आपको ये याद रखना है कौन से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कब ड्यू होती है, एंड देन यू नीड टू मेक दैट पेमेंट इन एडवांस, हो सके तो 2-3 दिन पहले आप पे करें। 7वां, ये कमाल का है, इसको गौर से सुनिएगा, अगर सही से आपने इसको यूज़ कर लिया तो ये भी आपका बहुत सारा पीस ऑफ माइंड और बहुत सारा इंटरेस्ट बचा सकता है। कंसिडर क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर। कंसिडर का मतलब समझिएगा, आपको चेक करना है कि ये सच में आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्या ये करना आपके लिए उचित है या नहीं है। लेकिन ये जो बैलेंस ट्रांसफ़र है ना, ये एक बड़ा कमाल की अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड पे डेट में फंसे होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं जो आपके दूसरे क्रेडिट कार्ड के लोन को ट्रांसफ़र करके अपने कार्ड पे ले आते हैं, और आपके अगर 3-4 कार्ड्स पे अलग अलग पे कुछ कुछ आपको पे करना है और उन्हें मालूम है कि आप 35% दे रहे हैं, तो वो आपको अपनी तरफ लेकर आने के लिए 32%, 30% ऑफर कर देते हैं, फ्री में आपको ट्रांसफ़र करा देते हैं आपकी सारी आउटस्टैंडिंग, और फिर अब आपको एक ही जगह पे पेमेंट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपकी बचत हो गई, यहाँ वहाँ का आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको चेक करना है कि आपको जो डील मिल रही है वो सही है। और जो भी आप डील लेंगे और जो भी आप नेगोशिएट करेंगे, आप ध्यान रखिएगा फिर आप उसमें डिफॉल्ट मत करिएगा, दैट शुड बी रियली पक्का। अब ये 8, 9, 10 जो 3 और स्टेप्स बचे हैं, इनको आप गहराई से समझिएगा, बेहद जरूरी है। अब तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे हैं तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। 8वां बहुत सिंपल है, मिनिमाइज योर एक्सपेंस। मिनिमाइज, कम से कम करिए अपने खर्चों को, खासतौर पर उस पीरियड के दौरान जब आपका गोल है आप डेट फ्री होना चाहते हैं। अगर कभी कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है, आपका पैसा जा कह रहा है और आपको इसका जवाब नहीं मिला, वेयर इज माई मनी गोइंग, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है, ऐसे दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जिनको ये नहीं पता उनका पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन अब तक जो था वो हुआ, आपने उससे सीख ले ली, उसकी वजह से आप लोन चुका रहे हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, अब आगे से आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। लिस्ट बनाइए आपके कहां कहां पे पैसा आपके हाथ से निकलता है, कहां कहां पे आप खर्चा करते हैं, लिस्ट बनती जाएगी, उसमें से आपको कुछ आइटम्स मिलेंगे जिनको मिनिमाइज किया जा सकता है। वी नीड टू डू इट। और देखिए, जो ये लिस्ट आप बनाएंगे ना, उसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं, उसमें पहले आती हैं चीज़ें जो बेहद ज़रूरी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, ग्रॉसरीज़ हैं, ये चीज़ें जो आपको जीने के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, हो सके तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा लीजिए, यहाँ नहीं बचेगा कोई बात नहीं, अगली बकेट होती है उसमें वो चीज़ें हैं जो आप इंपल्स में खरीद लेते हैं, पर्सनल केयर के आइटम हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो नीड नहीं है, वांट है,
चाहो तो कम कर सकते हो, चाहो तो 3 महीने 6 महीने जीरो कर दो, कौन सी आफत आया। और यहाँ पे जो कम हो गया वो ठीक, लेकिन ये तीसरी कैटेगरी है वो खतरनाक है, ये है लेजर। लेजर मतलब आप डिनर बाहर करने जाते हैं, आप पार्टीज करते हैं और आप लग्जरी आइटम्स खरीद लेते हैं, आप ट्रैवल करते हैं। अगले कुछ हफ्ते, अगले कुछ महीने अगर ये सब बंद करना पड़े तो करिए, क्योंकि गोल बड़ा क्लियर है, हमें डेट फ्री होना है, राइट। नौवीं चीज मैंने आपसे स्टार्टिंग से कहा था, इसका ध्यान रखिएगा। आई हैव सीन पीपल जो एक तरफ से क्रेडिट कार्ड लोन पे 35% का ब्याज दे रहे हैं, ऊपर से दूसरी तरफ से वो सिप भी लगा के रखे हुए हैं, FDs भी रखी हुई हैं। अरे भाई, जब तुम डेट रीपे कर रहे हो और जब तुम ऑलरेडी डेट में हो, तो उस समय तुम्हें नई इन्वेस्टमेंट को पॉज कर देना चाहिए। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट, 30-35-40% पे होता है, ऊपर से दुनिया भर के और चार्जेस लग जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड का तो ऐसा है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, आप उसके ऊपर GST भी देंगे, राइट। सो ये किसी और लोन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। जब आपकी स्थिति ऐसी है कि आप 35-40-50% यहाँ दे रहे हैं, तो फिर आप ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट में उलझे हैं जो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो जब आप इस रीपेमेंट के प्लान पे काम कर रहे हैं, उस दौरान आपको नई इन्वेस्टमेंट्स पॉज कर देनी चाहिए। दसवां सबसे ज़रूरी है, इंक्रीज योर इनकम। आप डेट में क्यों फंस गए? जितनी इनकम थी उससे ज़्यादा खर्च कर लिया। तो अगर सच में आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हो, या फिर आप फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना आए, अगर आप वैसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, तो फिर एक ही तरीका है मेरे दोस्त, इनकम बढ़ा लो। और इनकम कैसे बढ़ती है? दो तरीके हैं। नंबर एक, जो करते हो उसको बेहतरीन ढंग से करो ताकि तुम्हें इंक्रीमेंट मिलता रहे, इनकम बढ़ती रहे। आप अगर जॉब में हैं तो अपना काम अच्छे से करिए ताकि आपकी इंक्रीमेंट हो जाए। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो फिर अपनी बिजनेस के अंदर थोड़ा और मेहनत करिए, चीज़ों को बेहतर बनाइए, सो दैट यू गेट मोर मनी। और दूसरा तरीका इनकम बढ़ाने का, जो करते हो वो करते रहो, साथ साथ यू कैन डू अ साइड हासिल। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप साइड में कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। अगर आप उनकी लिस्ट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, साइड हसल, पार्ट टाइम इनकम, पैसिव इनकम, उन सब चीज़ों के ऊपर, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये था 10-step model, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। इन 10 में से कौन सी 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप तुरंत एक्शन लेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।